हेलो दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल बोर्ड लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे एनटीपीसी ग्रुप डी क्लासेस चल रहा है। दोस्तों उसका जो है वीडियो है, स्पेशल वीडियो इवनिंग टाइम में अपलोड होगा। अभी जो मॉर्निंग में दोस्तों जेई का जो CVT 2 एग्जाम होने वाला है, जेई CMA DMS ये सभी का दोस्तों जो CVT 2 का एग्जाम होने वाला है, उसका वीडियो मॉर्निंग सेशन में अपलोड होगा। उसका पार्ट 1 एक अपलोड हो गया दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील किया जाता है। प्रत्येक टॉपिक को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे दोस्तों, जिसमें 50 क्वेश्चन MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी रेलवे और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, जेई एग्जाम में, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, वो सभी को कलेक्ट करके स्पेशल वीडियो बनाया जाता है। तो आपको बता दें कि बेसिक इन्वायरमेंट का स्पेशल वीडियो प्रोवाइड हो गया है। जो नया स्टूडेंट है इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट का पार्ट 1 अपलोड हो गया है। जो वो वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा। और आज जो है दोस्तों सेकंड टॉपिक है, जो कि बेसिक इन्वायरमेंट, ये भी इन्वायरमेंट का ही पॉल्यूशन का चैप्टर है दोस्तों। इसमें बेसिक इन्वायरमेंट और इसमें पोल्यूशन इफेक्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी, इसके रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन बनते हैं सभी इस वीडियो में देखेंगे। और जो नया स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद घंटी के बेल आइकन ऑन कीजिएगा, तभी इस चैनल पे जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं बेशक कमेंट किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पे अब आते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्ट करके बनाया गया है दोस्तों, ताकि आपको पता होना चाहिए जो है रेलवे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा टारगेट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पर्यावरण अपकर्ष इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है पर्यावरण अपकर्ष से दोस्तों? ये जो है पर्यावरण अपकर्ष, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से जो है निम्नीकरण, बिल्कुल सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाने, ये भी सही है। पारिस्थितिकीय विविधता, विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। पर्यावरण अपकर्ष इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है, रिलेट कर रहा है, ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है? स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो उसके अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। घरेलू बाधित मल जो सीवेज से निकलता है दोस्तों, को निर्मुक्त करने से पहले उपचार होना जरूरी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से घरेलू बाधित मल जो कि सीवेज से निर्मुक्त करने से पहले उसको उपचार कराना सर्वाधिक उचित और उपयुक्त पद्धति, ये जो है व्याख्या कर रहा है दोस्तों। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी के किनारे बसे नगर जो होते हैं, उससे जो नगर और स्कूलों से निकलने वाले वांछित मल को STP के माध्यम से फिल्टर करके छोड़े जाने की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए, देखिए आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन कथन कारण से भी क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाता है। नीचे दिए गए कथन कारणों पर विचार करें एवं कूट से सही उत्तर का चयन करें। कथन में बोल रहा है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, बिल्कुल। ऑप्शन में बोल रहा है यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, सही बात है। कारण में क्या बोल रहा है, मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, बिल्कुल, ये भी दोनों सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है और इसको जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है, आर जो है इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है और इसका कारण भी यहाँ पे बता ही दे रहा है दोस्तों कि मानव क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागमन मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है, ठीक है दोस्तों। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा वाटर शेड विकास उपागम। वाटर शेड मैनेजमेंट जो है दोस्तों वही इस चीज को सबसे बेस्ट सटीक उदाहरण है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया की समस्या वह होती है दोस्तों जब मानव पर्यावरण में उपस्थित संसाधनों का दोहन करता है, जिसके फलस्वरूप समस्या का जन्म होता है, क्रिएट होता है। उसी चीज को जो है वाटरशेड विकास उपागम द्वारा जो है इस समस्या को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा। जैव ऑक्सीजन मांग, जिसको बीओडी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, इसके लिए एक मानक मापदंड है। वो मानक मापदंड क्या है आप सबको बताना है, वही वो है दोस्तों जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अपामन के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अपामन के लिए जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का एक मानक मापदंड होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सिक्स नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास रोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसका क्या रीजन है दोस्तों, किस वजह से होता है, ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों जो स्वचालित वाहन होती है, गाड़ी होती है, भट्टियों और विभिन्न प्रकार के उद्योगों से ये सब जो है इस टाइप के ये सब जो है ईंधन यहाँ से जो है दोस्तों पोल्यूशन क्रिएट होते हैं। पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही हानिकारक गैस है, जो कि यह रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बंद का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यंत्रीय विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यंत्रीय विधि नहीं है, ये दोस्तों बैग फिल्टर उसी से रिलेट करता है, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, ये सभी उसी से रिलेट करता है। साइक्लोन डिवाइडर है दोस्तों, ये जो है ऑड है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए जो है बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर और ये सब का यूज किया जाता है, लेकिन साइक्लोन डिवाइडर जो है वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए यूज नहीं किया जाता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बस डेली हैबिट बना लीजिए इस चैनल पे से दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए प्रत्येक टॉपिक आप लोगों को करवाया जाएगा जो रेलवे RRB प्रोवाइड कराया है। नॉन टेक्निकल पार्ट का भी जो क्लासेस चल रहा है दोस्तों, जिसमें सभी टॉपिक को करवाया जाएगा, जिसमें बेसिक एनवायरमेंट, कंप्यूटर का एप्लीकेशन दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब का क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू चल ही रहा है। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है दोस्तों स्मॉग, अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस, ये सभी संबंधित, यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, एयर पॉल्यूशन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये यूट्रोफिकेशन का संबंध दोस्तों जल प्रदूषण से, वाटर पोल्यूशन से, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एटलीस्ट लाइक कर दे ताकि और भी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि का दहन मूल स्रोत है दोस्तों, किसका स्रोत है आपको बताना है, ये सभी वायु प्रदूषण का स्रोत है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि कोयला, पेट्रोल, डीजल ये बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष जलने से दोस्तों वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो है वृद्धि करते जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण जो है बहुत ही तेजी से फैल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 10th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S की बात कर रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड दोस्तों वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है,
When you burn a fossil fuel, which gas is given out? जब आप एक जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलता है? जीवाश्म ईंधन को जलाने से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट इसका आंसर जान रहे होंगे। जीवाश्म ईंधन के जलने से सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? गैसीय वायु प्रदूषक दोस्तों घूम जो है नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये जो है दोस्तों ये सभी जो है, और ओजोन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये सब जो है वायु प्रदूषक है, जबकि घूम्र जो है कणीय वायु प्रदूषक है दोस्तों, कणिकीय वायु प्रदूषक। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे ये, इन प्री इंडस्ट्रियल इरा द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाज, पूर्व औद्योगिक युग में CO2 की सांद्रता कितना होता है? इसको VVI लगा करके रट लीजिए, न जाने एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। ये है दोस्तों 265 से 290 PPM होता है, नो डाउन कर लीजिएगा। पूर्व औद्योगिक युग में CO2 की सांद्रता 260 से 270 PPM होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 265 से 290। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन। साधारणतः निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? साधारणतः निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है दोस्तों? CO2 जो है वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पर्यावरण प्रदूषक से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होने का संभावना है, ये करेक्ट है दोस्तों। ऐसा द्रव्य जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षति कर सकता है या उसका क्षति होना संभव है, यह भी सही है दोस्तों। ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभव है, यानी दोस्तों ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, प्रदूषण के अध्ययन में SPM किसको निर्देश करती है? आपसे SPM के फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों, वो भी पोल्यूशन के अध्ययन में। SPM का फुल फॉर्म फटाफट कमेंट करें, जो स्टूडेंट जान रहे होंगे इसका फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। SPM महीने धूल कणों से होते हैं दोस्तों, जिस महीन धूल कण से होते हैं, रेतीले धूल कण जो होते हैं उसी से SPM होते हैं, जिसका आकार बालों से भी 30 गुना छोटा है। बहुत जो रेती होता है बालों से भी, जो दोस्तों सैंड से भी जो होता है उससे भी बहुत छोटा होता है। इसका अगर शेप साइज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो याद कर लीजिएगा, 0.01 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? वो है दोस्तों विलंबित सूक्ष्मकण। कौन सा है? विलंबित सूक्ष्मकण, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। शहरी क्षेत्र में नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण
प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? वो है दोस्तों सड़क परिवहन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उत्पत्ति खनिज तेल व कोयले के जलने से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है? उस प्रदूषक का नाम बताना है दोस्तों। वो प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी उसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होता है? उस प्रदूषक का नाम बताना। उस प्रदूषक का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी की बात हो रहा है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड मीथेन गैस भी सब वायु प्रदूषक है दोस्तों, जो प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक दोनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन केवल औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न किया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें है दोस्तों मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायु में है, उसको आपको बताना है कौन सा गैसीय तत्व। वो है दोस्तों फोम उद्योग से जो उत्पन्न होता है, उस चीज को बात कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्पादन के मुख्य स्रोत है दोस्तों AC एयर कंडीशनर जो होता है, रेफ्रिजरेटर, थर्मोकोल, फोम, सोफा सेट, ये सभी से दोस्तों CFC जो है निकलता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, फोम उद्योग। 22 नंबर क्वेश्चन पे आइए, शहरी क्षेत्र में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रमुख स्रोत क्या है? शहरी क्षेत्र में जो प्रदूषण होता है दोस्तों गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन स्रोत क्या है? उसका मेन स्रोत है परिवहन क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि CO दोस्तों सर्वाधिक उत्सर्जन परिवहन साधनों से होने वाला जो धुआं होता है उससे निकलता है, ये हीमोग्लोबिन में संयोग करके दोस्तों सांस लेने में मनुष्य को परेशानी उत्पन्न करता है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित नहीं होती है? तो वह है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ऑलरेडी ये डिस्कस किया जा चुका है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए, शीतकालीन घूम कोहरा के प्रमुख पुरोगामी होते हैं, शीतकालीन घूम कोहरा के प्रमुख पुरोगामी होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? SO2 एंड हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है परिवहन सेक्टर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, परिवहन सेक्टर से। 26 नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है, ईंधन स्रोत प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन किससे होता है दोस्तों? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये होता है ज्वालन द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन ज्वालन द्वारा होता है, क्योंकि इससे CO2 का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है दोस्तों। ईंधन स्रोत प्रदूषित का सर्वाधिक स्रोत ज्वालन है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, लगभग इसका 75% हिस्सा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों कि सेशन आपको कैसा लगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन सा है? भूमि के जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण का नाम बताना है दोस्तों, वो है आर्सेनिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक पदार्थ आर्सेनिक है, यह ज्वालामुखी के बाष्पों से में समुद्र तथा अनेक खनिजीय जल के मिश्रित रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए,
निम्नलिखित में से कौन एक निम्नीकरण प्रदूषक है, कौन एक निम्नीकरण प्रदूषक है दोस्तों, वो है घरेलू बाहित मल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। घरेलू बाहित मल दोस्तों एक ऐसे प्रदूषक है जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं, ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे घरेलू का घर का जो कचरा होता है दोस्तों, घरेलू वो सब सीवेज जो है, ये सब अपशिष्ट पदार्थ इसी के अंतर्गत आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे आइए। जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुआ था? जापान में मिनीमाता आपदा जो हुआ था दोस्तों, किसके प्रदूषण के कारण हुआ था? ये पारा के कारण हुआ था। ध्यान रहे, पारा के कारण, मरकरी, मरकरी एचजी के कारण हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 2 से 3 बार वीडियो को देख लेने के बाद दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा और यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए डेली चैनल को फॉलो जरूर किया कीजिए। पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होता है। क्यों कारक होता है? क्योंकि दोस्तों यह यकृत और गुर्दा संबंधी समस्या के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में दोस्तों यकृत और गुर्दा संबंधी समस्या का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पर्यावरणीय समस्या के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाता है? पर्यावरणीय समस्या के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाता है? वो किया जाता है डीडीटी का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बहुत करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी डीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, आपको याद होना चाहिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। ध्यान रहे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है और यह पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध उपयोग किया गया था। यदि दोस्तों किंतु बाद में 1950 के बाद कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग इसको होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 32 नंबर क्वेश्चन। किस स्तर डेसिबल में सबसे अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? सबसे खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कौन सा है दोस्तों, जो कहलाता है? ऑप्शन के अनुसार 80 डेसिबल। 80 डेसिबल जो है से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि कानों पर विपरीत प्रभाव डालता है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 100 डेसिबल की आवाज मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा समय तक सुनना नुकसानदायक होता है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस यूनिट का, किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, ऑलरेडी ये बहुत बार इस चैनल पे करवाया जा चुका है, साइंस का जब न्यूमेरिकल करवा रहे थे तब। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण नॉइज पोल्यूशन का कारण है? सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन कौन प्रोड्यूस करता है आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार। इसका करेक्ट आंसर होगा जेट उड़ान, जेट वगैरह दोस्तों जो उड़ान भरते हैं उससे सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि भारी ट्रक यातायात करता है दोस्तों, इसका अगर डेसिबल में बोला जाए तो 80 डेसिबल इसका साउंड होता है। और यहाँ पे जेट इंजन की बात करते हैं दोस्तों, तो जेट इंजन का 120 डेसिबल होता है। कितना? 120, याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सब पॉप संगीत ये सब जो होता है दोस्तों, ये लगभग 100 डेसिबल के अराउंड होता है इसका साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर की बात हो रहा है दोस्तों, ये है ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण जो होता है दोस्तों, उसी को ग्रीन मफलर बोला जाता है। कंफ्यूज ना होइएगा, याद कर लीजिएगा। ऐसे प्रदूषक दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में जो वृक्ष का जो लगाया जाता है रोड के किनारे दोस्तों, सड़क के किनारे, वही ग्रीन मफलर उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? वो है दोस्तों सीवेज। कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सीवेज जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 37 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक कारक जैवीय रूप में अपघटित होता है? जैवीय रूप में अपघटित होने वाला है दोस्तों मल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मल जैविक रूप से अपघटित होता है। मल के अतिरिक्त बाकी तीनों जो ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ये सभी रासायनिक तत्व है जो जैवीय रूप से अपघटित नहीं होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे आइए। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, कहां सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहां होता है? वो होता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाका तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाका में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित करता है दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन पे आइए। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? यह डेसिबल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? वो कौन सा है दोस्तों? वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अनुसार ईंधनों में हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि दोस्तों डीजल पेट्रोल कोयला जो है जलने से हानिकारक गैस निकलता है जो वातावरण को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था? वो कौन सा गैस था? उस गैस का नाम है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है, बहुत एग्जाम में ये पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किन कौन से गैस में भोपाल गैस कांड हुआ था दोस्तों? वो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये गैस कांड कब हुआ था? ये हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 42 नंबर क्वेश्चन। गंगा एक्शन प्लान का लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ठीक है दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है दोस्तों? उस सुधार है जो कि जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गंगा एक्शन प्लान को लाने का मेन उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी आरआरबी के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, ये सभी में पूछा गया है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? वो कौन सा ईंधन है दोस्तों? उस ईंधन का नाम है संपीड़ित प्रकृति गैस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सीएनजी की बात कर रहा है दोस्तों, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात हो रहा है। सीएनजी प्रकृति गैस वाहनीय ईंधन में सबसे ज्यादा पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किस चीज में किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है बीओडी में। किस चीज में? बीओडी में। ऑलरेडी बता दिया हूं, बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बीओडी में किसी भी जल में, किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 45 नंबर क्वेश्चन। वायु प्रदूषण को कम किया जाता है, वायु प्रदूषण को कम कैसे कम किया जा सकता है दोस्तों? वो किया जा सकता है वृक्ष के द्वारा। वृक्ष लगा करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होता है दोस्तों। इस वृद्धि को रोकने के लिए वृक्षारोपण जो है जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषक का उदाहरण की बात हो रहा है, फटाफट आप लोग बताइए। वो है दोस्तों
धुआं और कुहासा, बिल्कुल ये करेक्ट है। वाहनों से निकलने वाली गैसें सभी वायु प्रदूषण है। जलती हुई लकड़ी, चारकोल से निकली गैस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑल ऑफ दी जो भी ऑप्शन में गिवन है सभी वायु प्रदूषण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पे आइए। भारत तथा दूसरे देश में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग किया जाता है, उस नियम का नाम क्या है? उस नियम का नाम है दोस्तों प्लास्टिक के थैले, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत तथा दूसरे देश में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाने की कोशिश कीजिए, आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलिथीन को न तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका पुनः चक्रण जो है संभव होता है, इसीलिए इसको प्रयोग को रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आइए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस चीज में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है आपको बताना है। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है, कौन सा प्रदूषण दोस्तों? जल प्रदूषण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में बहुत ज्यादा में वृद्धि हो रहा है। खेतों में कीटनाशक का अधिक छिड़काव करने पर वे कीटनाशक वर्षा जल के साथ मिलकर नदी जल तंत्र पहुंच जाते हैं। ये दोस्तों ये कीटनाशक छोटे छोटे जलीय जंतु और पौधों को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, कौन सा कारण है दोस्तों? नगरीकरण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। जल संकट का प्रमुख कारण बहता हुआ नगरीकरण है, क्योंकि नगरीकरण के बढ़ने के साथ साथ जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है तथा पीने योग्य जल की कमी होती जा रही है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। जो स्टूडेंट इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फ्री में पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एटलीस्ट एक बार वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हर स्टूडेंट को फायदा हो सके। और जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी आप लोगों के लिए स्पेशल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम को देखते हुए दोस्तों, उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।